इसको आलमी साजिश समझ रहे हैं बहुत से लोगों ने, जिनसे मेरा राबता हुआ, इंटरव्यूज भी हुए, उन्होंने ये जिक्र भी किया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के जब उन्होंने ये कहा कि ये कोई वायरस नहीं है, ये एक आलमी साजिश है, ऐसा ही है। देखिए, आपने ना प्रोग्राम के शुरू में बहुत गंभीर मुश्किल सवाल कर दिए, यानी कि मुश्किल सवाल से मुराद ये है कि एक बड़ा क्वेश्चन है। हम इसको देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसको अगर हम डिस्कस करने लगे कि ये कोई खुदा की तरफ से कोई अजाब है या आजमाइश है या ये जो है कोई साजिश है, तो इसका आंसर जो है वो कोई वन लाइनर नहीं है या वो किसी एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो नहीं दिया जा सकता। दिस इज़ अ मल्टीपल थिंग्स जो इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही हैं। वो अगर हम कोई एक प्रोग्राम इसके ऊपर सेपरेट करें ना, तो उसके ऊपर शायद आपको मैं बताऊँ कोई हमें कोई 2-3 दिन लग जाए इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में, ठीक है। ये तो एक बात है, लेकिन ये बात कन्फर्म्ड है कि कोरोना वायरस इस वक्त एक हकीकत है और वो इस वक्त डैमेज कर रहा है लोगों को, और इससे जो हमें एहतियात करनी है इसको लेकर, वो एक अब आप कह लीजिए कि एक रियलिटी है। अगर हम ये कह दें कि ये साजिश है और असल में ये कुछ भी नहीं है, तो ये हम अपने आप को धोखे में रखें। अच्छा जबरन साहब, साजिश एक मुल्क के लिए होगी, दो मुल्क के लिए होगी, 3, 4, 5, 7 और 200 कंट्रीज के लिए इतनी बड़ी साजिश कर ली गई और वो भी वायरस की सूरत में, और तमाम लोगों को एक कंट्री के कहने पे लॉकडाउन कर दिया, समझ नहीं आ रही मुझे। चले, मैं ना असल में शायद ये बात मैं करना अभी नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये बात अब खुल गई है तो मैं कर देता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये किसी एक मुल्क या किसी एक बर आज़म को लेकर नहीं साजिश हो रही या जो भी मामला आते हैं, ये असल में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो है दुनिया जा रही है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो रहा है अराउंड, एक टर्म बोली जाती है उसको हम कहते हैं 4th IR या 4IR, विच इज़ कॉल्ड 4th Industrial Revolution, ठीक है। 4th Industrial Revolution का एक्चुअली जो मीनिंग है वो ये है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, कि आज से कोई 2 सदियां पहले पहला एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एक बिजनेस के अंदर एक चेंज आई और जो फैक्ट्रीज थी वो स्टीम से चलना शुरू हुई, ठीक है। और उस वक्त जो है वो नई नई फैक्ट्रीज जो है वो इवॉल्व हुई, ये 17वीं सदी की बात है, 18वीं सदी की बात। उसके बाद हुआ क्या कि सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली इंट्रोड्यूस हो गई, और मेनली टेलीफोन ईजाद होने शुरू हो गए, और जो है वो ऑयल और ऑयल की एक्सट्रैक्शन होनी शुरू हो गई, टेक्सटाइल बननी शुरू हो गई। दिस इज़ द सेकंड रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री। द थर्ड रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री बिजनेसेस के अंदर जो एक चेंज आया, वो चेंज था कि IT आ गई, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, और उनकी मदद से भी बिजनेसेस होने शुरू हो गए, ठीक है। अब एक 4th Industrial Revolution है जो अब IT से भी आगे निकल रहा है, ठीक है। और वो 4th Industrial Revolution है जिसको हम कहते हैं कि अब जब बिजनेसेस होंगे या जो जिंदगी गुजारी जाएगी वो गुजारी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो जिंदगी गुजारी जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जिसको हम IoT बोलते हैं, ठीक है। वो लाइफ गुजारी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। तो अब रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस होने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस होनी है, फिर आप कह रहे हैं हो चुकी है, लेकिन अब वो थी कुछ कंट्रीज में। अब यहाँ से आप ही की बात कर, अब इस सारे के सारे 4IR को एक मखसूस पावर ने अब पूरी दुनिया में एक्सलरेट करना है और उसको आम करना है। अब ये हर मुल्क के अंदर ये 4IR पहुंचानी है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज पहुंचानी है, और ये जो COVID-19 है ना, ये बेसिकली अब एक्सलरेट कर रहा है, स्पीड दे रहा है उस 4IR को, जो पहले शायद आज से 20 साल या 30 साल के बाद पूरी दुनिया में कॉमन होना था, लेकिन अब वो इस COVID-19 के बाद बहुत जल्दी कॉमन होगा। क्योंकि इसकी एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं, बहुत जल्दी रोबोट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे। क्यों इंट्रोड्यूस हो जाएंगे? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, अब लोग जो है ना वो ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते, तो अब उसकी जगह पर रोबोट्स काम करेंगे। जबरन साहब, हम लोग मान लेंगे हमें बाय फोर्स करवाया जा रहा है, इसका मतलब हम मानना नहीं चाह रहे, लेकिन हमें बाय फोर्स अपनी तरफ ले आए। हमें अगर इसके लिए हमें पूरी दुनिया की जिसे हम जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कहते हैं, हमें उसको समझना होगा। और जितनी इस वक्त तक मेरी स्टडी है, उस स्टडी के मुताबिक ये एक
प्लान्ड एक्टिविटी है जो एक खास तीन चार मकासद को पूरा करने के लिए जो है वो की गई है। तो अगर मैं उसकी डिटेल में इस वक्त उतर गया ना तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है।